ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। अजब गजब में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा। आज हम अजब गजब में जानेंगे थाईलैंड गोल्ड रिवर के बारे में। इस नदी में कहते हैं दोस्तों सोना बहता है और लोग यहाँ से बैग में भर कर सोना ले भी जाते हैं। दोस्तों विश्व में कई ऐसी नदियां हैं जो अपनी बनावट और आकार को लेके यानी अपने स्ट्रक्चर को लेकर हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती हैं, यानी इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजोन, ये सब ऐसी नदियां हैं जो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों की कि लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। ये तो आप जानते हैं कि नदियों में पानी बहता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसमें पानी तो बहता है लेकिन उसके साथ साथ उसमें सोना भी निकलता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि लोग उस सोने को अपने घर भी ले जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही मिस्टीरियस बातें आपके लिए लेकर आते हैं। आज के समय में नदियां इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनमें पानी के साथ साथ प्लास्टिक, कचरा, केमिकल, ना जाने क्या क्या चीज़ें बहती रहती हैं। और आप जानते ही हैं कि गंगा और यमुना नदी जो हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं अगर हम भारत की बात करें तो। फिलहाल जो सरकार है वो इनको साफ करने का काम कर रही है और काफ़ी हद तक ये नदियाँ साफ भी हो चुकी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी नदी है जिसमें सोना बहता है और ये नदी है थाईलैंड में। इस नदी के तट के आसपास जो लोग रहते हैं उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अक्सर लोग सोने की तलाश में यहाँ पर दूर दूर से आते हैं क्योंकि अब ये नदी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ये थाईलैंड के गोल्ड माउंटेन इलाके में बहती है। जगह थाईलैंड के दक्षिणी भाग में है जिसकी सीमा मलेशिया से लगती है। और आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बता दूं, इस इलाके में लंबे समय से सोने के खनन का काम होता है, यानी यहाँ पर खुदाई चलती है, माइनिंग होती रहती है सोने से रिलेटेड। इस नदी के पास या नदी के पानी में सोने के कई छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं। नदी में कीचड़ से सने हुए सोने के अयस्क घुले होते हैं, यानी छोटे छोटे सोने के पार्टिकल्स होते हैं जो इस नदी के पानी में आपको मिल जाएंगे। आसपास के गांव वाले यहाँ आते हैं और नदी के मिट्टी से सोने को छानने का काम करते हैं और जो सोना उन्हें मिलता है वो उसे लेके निकल लेते हैं। क्योंकि आप ये सब जानते ही हैं कि सोना आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यूड एक सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसे में ये नदी कई लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया भी बन चुकी है क्योंकि लोग यहाँ पर रोज आते हैं, सोना छानते हैं, उसे ले जाते हैं और बेचते हैं और इससे वो अपनी सर्वाइवल करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से थाईलैंड के इस इलाके में रहने वाले कई लोगों का रोजगार छिन गया है। वैसे ये तो फैक्ट है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोरोना ने रोजगार छीन लिया है, उनके जॉब्स के जो भी सर्वाइवल थे वो सब चले गए हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर आते हैं और सोने को ढूंढ कर ले जाते हैं जिससे उनका घर चल सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप आए, आपने नदी में से हाथ डाला, सोना लिया और आप निकल लिए। इसको छानने के लिए बहुत मेहनत लगती है और जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ज़्यादा पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि लगातार खनन होता है तो लगातार इसमें सोने के पार्टिकल्स मिलते रहते हैं। एक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक महिला ने ये बताया था कि अगर वो 15 मिनट यहाँ पर अच्छे से मेहनत करती है तो वो करीबन 240 रुपए कमा लेती है। और वो जो महिला है वो इस काम से खुश है। सिर्फ वो महिला ही नहीं, उसके जैसी कई और औरतें, कई और लोग ऐसे हैं जो इस तरह से सोने को छान कर ले जाते हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। वाकई में थाईलैंड की गोल्ड रिवर बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है। क्या आपने कभी किसी ऐसी नदी या किसी ऐसी अमेजिंग चीज़ के बारे में सुना है? और अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अमेजिंग बातों के लिए, मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए आप A1 न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।